I hope today would be a wonderful day for all of you. I wish you luck. मगर लक काम नहीं आएगा. आज तक की जो आपकी पढ़ाई है, आज तक की जो आपकी मेहनत है, आज तक का जो आपका नॉलेज है, वही काम आएगा. यस सर. आप सभी लोग हो सकता है बिहार के अलग अलग स्थानों से आए होंगे, अलग अलग जिले से आए होंगे. कितने लोग पटना के बाहर से आए हैं? अरे वाह, गुड 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 गुड, लवली. एक बार सब लोग बताओ तो कहां से आए, साथ बताओ. जोर से बताओ. हाँ, अरे वाह. कोई ऐसे जगह से आया जहां से वो अकेला आया हो? तुमको कैसे पता? सर हमको पता है. कहां से आए? छपरा जिला. छपरा जिला से बहुत लोग आए हैं. जमुई से कौन आया है? देखो जमुई से तीन लोग हैं. सिवान से तो बहुत लोग आए हैं. सीतामढ़ी से तुम सीता जी? अरे सम्मान हो रही हो. सीता तो हमारी राज्य देवी है. तुम भी सीतामढ़ी से हो तो दोनों सीता है. आई थिंक सब जगह से बहुत से लोग आए हैं. मेरा कहने का मतलब, वेरी गुड, हमारे पास बिहार के हर जिले से, और बिहार ही नहीं, इनफैक्ट कई बार झारखंड से भी लोग आते हैं, कई बार ईस्टर्न यूपी से लोग आते हैं, खासतौर पर नेपाल से लोग आते हैं. कोई है नेपाल वाला? अच्छा, बॉर्डर के पास से आए हैं. तो यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट से भी बच्चे सिविल में पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं. पिछले प्लेसमेंट में पश्चिम बंगाल की बच्ची जो है उसको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिला. तो आप अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हो, लेकिन यहाँ आने पर आपका लक्ष्य एक है. यस नो? क्या लक्ष्य है? कैरियर. कैरियर साइकिल के पीछे होता है. करियर. क्या बोलना है? करियर. फिर से बोलो. करियर. ठीक है, अभी करियर बनाना आपका मोटिव है, लेकिन आपका करियर कैसे बनेगा? हार्ड वर्क से नहीं बनता है. हार्ड वर्क से नहीं बनता है, नॉलेज से नहीं बनता है. एक बार रोक दीजिएगा, अब और बच्चों को मत भेजिएगा अगली क्लास के लिए. जितने आ रहे उनको आने दीजिए, खड़े रख दीजिए उनको. अच्छा ठीक है, हार्ड वर्क से नहीं होता है. तुम हार्ड वर्क क्या करोगे? हार्ड वर्क रिक्शा वाला करता है, नहीं करता है, सफल हो जाता है जीवन में? नहीं होता है. मजदूर करता है, गड्ढा खोदता है. तुमको गड्ढा खोदना है? तुम्हारा हार्ड वर्क आधे घंटे के बाद और पढ़ाई करना मतलब हार्ड वर्क. यस सर. आधा घंटा पढ़ लीजिए और पढ़े, इतना हार्ड वर्क. पांच घंटा अगर बैटिंग कर रहे हैं तो हार्ड वर्क नहीं है. यस सर. है क्या सर? उतार तो टिक ही नहीं पाते, आउट हो जाते हैं. लेकिन अगर बैटिंग करने को मिल जाए तो कोई दिक्कत? पसीना आ जाए तो दिक्कत होगा? नहीं होगा. शादी में डांस किए कभी? पसीना आता है? हार्ड वर्क होता है? नो सर. हार्ड वर्क नहीं होता है. पढ़ाई करने में हार्ड वर्क होता है? यस सर, बहुत हार्ड है. इट इज ऑल मेंटल. अगर मन लग रहा है तो भर रात पढ़ाई करता है छात्र, और हार्ड वर्क महसूस नहीं होता. ये सब ऐसा होता है कि नहीं होता है? सवाल में सवाल बनते जा रहे हैं और मन कर रहा है नींद गायब हो गई. और अगर मन नहीं लग रहा है तो दिन में भी नींद आ जाएगी. ये सब कॉपी खोले नहीं की नींद आने लगेगी, किताब खोले नहीं की नींद आने लगेगी. दैट इज मन नहीं लग रहा. तो हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, मन लगाने की जरूरत है. मन लगाने से काम हो जाता है, उसके बाद फिर हार्ड वर्क महसूस नहीं होता. जिस चीज में मन लग गया उसमें हार्ड वर्क नहीं होता है.
खाना बनाने में मन लग गया तो हार्ड वर्क नहीं हो रहा है, नहीं मन लग रहा है तो बहुत भारी पड़ रहा है, एक दाल खरीद रहा है। ये सुनो, मन लगने की बात है। तो आपको पढ़ाई में जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो उसमें मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट द की एलिमेंट, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू क्रिएट ओवर हियर। हम यहाँ पर बस यही चाहते हैं कि देखो बच्चे का पेट गिर गया, उसको मदद कर उठा के दो,